कौन मिलना चाहिए। तो हमारा इसको मॉल के पर्पस से भी और गांव के हिसाब से भी हम लोगों ने इसको डेकोरेट किया है, और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर 2-3 रुपए वो भी कम करवाना चाहते हैं, 20-30 रुपए कम करवाना चाहते हैं, 10% 20% डिस्काउंट मांगना चाहते हैं, तो जितना संभव हो पाता है उनको अच्छा से अच्छा रेट दिया जाए ताकि वो फिर से आ पाए। तो ऐसा हमारा सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिये शरण ने त्रिम्बकी गौरी नारायणी नमोस्तुते बोलो दुर्गे मैया की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तराखंड चिन्याली पहुँचने वाली सड़कों से। तो साथियों चिन्याली जा रहे हैं आज, और आज जो मैंने बताया था आपको मित्रवर का जो मॉल ऑफ चिन्याली शॉर्ट है वो खुल रहा है इष्ट देव दुर्लेश्वर महादेव और ग्रामदेव नागराज की कृपा से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। तो देखते हैं अपना साथी अध्यक्ष युवा मंगल दल गडोली विनोद बडोनी भी अब बिजनेसमैन की तरफ अग्रसर हो रहा है, और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो खूब चमकेगा जैसी क्वालिटी देगा प्रोडक्ट्स की, है ना। मॉल ऑफ चिन्याली शॉर्ट खोल रहे हैं तो चलते हैं, उसकी ओपनिंग है, मैं और मेरे मित्र संदीप जा रहे हैं, तो चलते हैं आगे। तो चलते हैं अब मित्र राइड करेंगे, मैं पीछे से वीडियो बनाता हूँ। क्यों परेशान है मेरे जाने से। और साथियों ये रोड जा रही है देहरादून के लिए और ये जाती है हमारे गांव चिन्यानी। मार्केट में नहीं है, जो बाईपास है ऑल वेदर रोड बनी हुई है उसमें खुला है, लोकेशन भी दिखाएंगे आप। तो ये चले हम, ये जा रहा है चिन्याली मार्केट नीचे और ये जा रही है ऑल वेदर रोड, तो इसमें है साथियों मॉल, तो चल रहे हैं सीधा मॉल में। तो मॉल तो क्या कहेंगे साथियों, पहाड़ी मॉल। एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू सूरी टांग वाली रोड है, इससे आगे है बस 500 मीटर दूरी पे होगा ज्यादा से ज्यादा। साथियों मॉल ऑफ चिन्याली शॉर्ट में पहुंच चुके हैं, अब दर्शन कराते हैं आप सभी को अंदर से और बाहर से भी हैं। और साथियों ये ऑल वेदर रोड है, ये उत्तरकाशी और गंगोत्री धाम जा रही है, उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ मॉल ऑफ चिन्याली शॉर्ट। अब अंदर से दर्शन कराते हैं आप सभी को क्या कुछ है इस दुकान में, शोरूम में। तो चलिए पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ चिन्याली शॉर्ट में, और ये है हमारे इमर्जिंग बिजनेसमैन फ्रॉम अवर लोकेलिटी परम मित्र विनोद बडोनी। तो बडोनी जी आप क्या कुछ देंगे अपनी दुकान में और लोगों को किस प्रकार से आप
आकर्षित करेंगे इस नए इनोवेशन की तरफ, स्वरोजगार की तरफ आपकी ये पहल है, तो कैसे आप लोगों को लुभाएंगे और क्या कुछ फैसिलिटीज आपकी इस मॉल में मिलेगी? हमारे पहाड़ में कहाँ कुछ देखने को मिलता है, मॉल वगैरह है ना, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप पब्लिक? पहले आप सब आपके चैनल का धन्यवाद और आपके जो दर्शक है उन सबका धन्यवाद। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज 1 सितंबर को हमारे मॉल ऑफ चिनिया रिसोर्ट का भव्य और दिव्य उद्घाटन किया गया है और हमारे यहाँ पे हम लोगों का एक उद्देश्य ये है कि हमारे जो दूरस्थ इलाके हैं उनको कम दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल पाए और हर प्रकार की उनको सामग्री मिल पाए और हम लोगों ने उसके लिए पूरी कोशिश करी है और आशा करते हैं लोगों को पसंद भी आएगा। और जैसे अब रही रेट की बात, रेट सर हमारे यहाँ पे लगभग नॉर्मली रेट है, बहुत कम कॉस्टली हम लोगों ने कपड़ों का प्राइस रखा है, जैसे शूज का प्राइस रखा है, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जितने लगी है सबकी अलग अलग कॉस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ 80 रुपये से शुरू होता है और फिर 100 रुपये से शुरू है और अधिकतम अधिकतम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 इस प्रकार के कपड़े हैं। और हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि जो गरीब लोग हैं वो भी यहाँ से खरीद पाए, जो अमीर लोग हैं वो भी खरीद पाए, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी खरीद पाए। तो हम लोगों का मतलब ये लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं जो लोग हमारी शॉप में आता है उसको उसके हिसाब से रेट के हिसाब से संतुष्ट किया जाए। तो हमने हर वैरायटी के कपड़े रखे हैं और जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप आज सबको पता है कि मॉल ऑफ चिनिया रिसोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग और प्रचार प्रसार करेंगे और यूनिक जगह है और हम लोगों ने बहुत यूनिक बनाया है इसको और आशा करते हैं कि ये यूनिक चीज़, ये यूनिक जगह, ये मॉल ऑफ चिनिया रिसोर्ट हमारे सारे चिनिया रिसोर्ट ब्लॉक को पसंद आएगा और उम्मीद आशा करता हूँ कि दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। और जो एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग होलसेल का काम करते हैं और अपनी दुकान खोलना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास सुनहरा मौका है उनके लिए कि वो लोग यहाँ से होलसेल रेट पे यहाँ से माल उठा सकते हैं, माल ले जा सकते हैं और बहुत ही सस्ता सामान हम उनको देंगे, लेकिन साथ ये रहेगी कि उन्हें बड़ा स्टॉक उठाना होगा क्योंकि आपने देखा होगा कि होलसेल में कम से कम बड़ा स्टॉक उठाना पड़ता है। तो एक बार पुनः जितने लोग यहाँ पे आए आज इस उद्घाटन समारोह में उनका तहे दिल से धन्यवाद और मॉल ऑफ चिनिया रिसोर्ट की ओर से हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। हाँ हाँ जी, मुझे ये बताइए हमारे पहाड़ में ऐसा होता है कि लोग अगर शादी ब्याह होता है तो देहरादून की तरफ चलते हैं, मॉल जैसे पैसिफिक मॉल हो गया, मॉल ऑफ देहरादून वगैरह हो गया, वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप उनसे अच्छे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गांव के लोग होते हैं ज़्यादा आमदनी होती नहीं है उनकी, तो गांव के लोग हैं रेट कम होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रोडक्ट खरीदना चाहता है गांव का जो भी आदमी होता है, तो दुविधा से कैसे टैकल करेंगे आप? दरअसल होता क्या है कि हम लोगों का एक माइंड सेट किया हो रहता है कि हम लोग देहरादून जाएँ, जबकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े लाए हैं, चाहे शादी की हो, चाहे शादी के और बच्चों के हो, जेंट्स के हो, चाहे लेडीज़ का हो, तो हम लोग चाहते हैं कि अब जो देहरादून की फैसिलिटी है वो चिनियाली में आपको देंगे और देहरादून से सस्ता आपको यहाँ चिनियाली मिल रहा है तो देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे आप लोग संतुष्ट हो पा रहे हैं, आप लोग आपको यहीं से खरीदना चाहिए और फिर बड़ी बात यह है कि आपको कम से कम कॉस्ट में आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं और आपके घर में मिल रहे हैं, तो आपको बाहर जाने की शायद आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और क्योंकि मुझे लगता है कि आप देहरादून से कपड़े लाओगे तो आपका उतना खर्चा लग जाएगा, लेकिन वही अगर आप चिनियाली में उससे अच्छा रेट में मिल रहा है तो आपको यहीं से खरीदना चाहिए। और पटेल जी मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि मॉल में क्या होता है फिक्स प्राइस रहता है, लोग किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर है तो बोलेंगे 450 का है तो कुछ कम करिए, मॉल में किसी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं होती, जो रेट है उसी में देना पड़ता है, तो इस दुविधा से कैसे ये करेंगे आप? दरअसल हम लोगों ने इसका नाम जो मॉल ऑफ चिनियाली छोड़ रखा है वो हम लोगों ने अपनी जनता को देखकर इस मॉल का डिजाइन तैयार किया है, आप देख सकते हैं जैसे ये हम लोगों ने सेल में रखा है, ये लोग ये हमारी सेल है जो फिक्स प्राइस है, बाकी जो हमारी पीछे रैक वगैरह बने हैं इसमें जो हम लोगों ने सामान लगाया है, हम चाहते हैं कि गांव के लोग, दरअसल गांव के लोगों को थोड़ा बहुत उन्हें लगता है कि डिस्काउंट मिलना चाहिए इसमें, तो हमारा इसको मॉल के पर्पज से भी और गाँव के हिसाब से भी हम लोगों ने इसको डेकोरेट किया है और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर 2-3 रुपये वो भी कम करवाना चाहते हैं, 20-30 रुपये कम करवाना चाहते हैं 10%-20% डिस्काउंट मांगना चाहते हैं, तो जितना संभव हो पाता है उनको अच्छे से अच्छा रेट दिया जाए ताकि वो फिर से आ पाए,
तो ऐसा हमारा अपना सोचना है। एक बार पुनः आप सब करते हैं और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे मॉल ऑफ चिन्हारी छोड़ की और वीडियो आपके बीच में लाते रहें। और हमारी सब सबकी तरफ से आप सबको अपनी बधाइयाँ और आप हमारे क्षेत्र से खूब बिजनेसमैन की तरफ उभरें और एक सितारे की तरह बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। अब दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर और कैसी कैसी फैसिलिटीज़ है। कोई होल सेल में भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए अब शूज़ का ये पार्टी वियर है, ये गाउन वगैरह है। और साथियों ऐसा है कुछ अपने मित्र का मॉल ऑफ सीनियर स्टोर और जो भी इस लोकेलिटी से देख रहा है इस वीडियो को तो जरूर एक बार सेवा का अवसर देना मित्र को। और फिर चलते हैं मॉल की वीडियो भी समाप्त करेंगे, फिर हम घर पहुँचते हैं ना। साथियों ऑल वेदर की डेस्टिनेशन है और मॉल ऑफ चिन्याली आर वेटिंग फॉर योर अराइवल, है ना। आइए और सेवा का अवसर दीजिए। अब हम यहाँ से गांव की ओर चलते हैं, इसी के लिए आए थे उद्घाटन के लिए। और साथियों जा रहे थे मूवी, चल रहे हैं सीधा घर के लिए। और यह है चिन्याली शॉर्ट का प्रसिद्ध पीपल का वृक्ष, है ना, और इसलिए हवा से साथियों काफी शीतलता रहती है इस क्षेत्र में। हमारी यात्रा जा रही है अभी क्यारी के गांव से, देखिए। और साथियों चिन्याली से आने के बाद छानी में पहुंच चुके हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं मित्रों। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना और मॉल ऑफ चिन्याली शॉर्ट को खूब सपोर्ट करना साथियों, क्योंकि हमारे ही मित्र हैं। और हम अपने बीच से जब कभी बड़े लोग बन जाएंगे तो हमारी भी रीच उतनी बढ़ जाएगी, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, नमस्कार।